तो आज मैं आपके लिए तीन बहुत ही सरल असरदार घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आप रोज ये तीनों नियम का पालन करते हैं तो आप संक्रमित होने से बच सकते हैं, या फिर अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो भी गए हैं तो बहुत ही जल्दी रिकवर कीजिएगा और ये सर्दी खांसी गले में दर्द गले के हर प्रॉब्लम इन्फेक्शन को दूर भगाएगा। तो काफी गर्मी पड़ रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज गर्मी का काढ़ा बनाना बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्दी खांसी कफ को दूर करने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन चढ़ाइए, उसमें डालिए एक ग्लास शुद्ध पानी। यहाँ पे मैंने स्टील ग्लास का इस्तेमाल किया है, ये रोज का किचन का ग्लास है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फ्लेम को हम बढ़ा देंगे। अब एक छोटा खल लीजिए, इसमें डाल दीजिए एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और दो कप काढ़े के लिए है तो इस तरीके से तोड़ के डालें। आप एक चौथाई चम्मच सिनेमम पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये दालचीनी का लकड़ी है, बहुत ही आसानी से आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। इसे हम गरम मसाला में भी उपयोग करते हैं। अब डाल दीजिए दो छोटी हरी इलायची। तो गले में खांसी इन्फेक्शन और सर्दी में बहुत ही ज्यादा मददगार है। बस दो लवंग यानी लौंग का हमें इस्तेमाल करना है और 6 दाने काली मिर्च के। काली मिर्च ज्यादा नहीं डालना, हम एक बार कूट लेते हैं। इधर पानी में भी उबाल आ चुका है जो हमने कूटा था, इसे डाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है, फ्लेम को कर दीजिए कम। अब ढक दीजिए और इसे इसी तरीके से उबलने दें। और अब फिर से खल लीजिए, इसमें डालिए 1 इंच अदरक। सर्दी खांसी गले इन्फेक्शन में बहुत ही ज्यादा मददगार है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है अदरक। और इसे हम कूट लेते हैं। तो कुछ सेकंड में ही कूट जाएगा, काफी अच्छे से अर्क काढ़ा में आ पाएगा। इसी प्रकार से मैंने कुछ तुलसी पत्ता का इस्तेमाल किया है, करीब 10 से 15, इसे भी कूट लीजिए। तो आयुर्वेद में बहुत ही खास स्थान दिया गया है तुलसी के पत्ते को। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही आसानी से मेडिकल शॉप पे आपको तुलसी ड्रॉप मिल जाएगा। तो जब काढ़ा हम छान लेंगे ना तो ऊपर से आप 4 बूंद डालिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होता है सर्दी खांसी के लिए, तो ज़रूर डालें। अब हम फिर से धीरे से ढक्कन हटाते हैं और अदरक तुलसी कुटी हुई डाल देते हैं। अब आखिर चीज इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गुड़। तो काला जो गुड़ होता है वही शुद्ध गुड़ होता है। जब अदरक तुलसी के साथ गुड़ खाइएगा तो काफ़ी फायदा करेगा। तो 1 टेबलस्पून डाल दीजिए। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं, जब काढ़ा छान लेंगे ना तो ऊपर से जब हल्का गर्म हो तब आप शहद मिला सकते हैं। इस तरीके से पकने दें तो काफी माइल्ड काढ़ा तैयार हो रहा है। इसे जब आप पीजिएगा तो बिल्कुल भी ना आपको एसिडिटी होगी ना पेट में जलन होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूं कि काढ़ा आपको खाली पेट नहीं पीना है, कुछ खा करके ही पीना है। ब्रेकफास्ट कीजिए तो उसके 1 घंटे के बाद आप काढ़ा 1 टाइम ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी कफ है तो सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने के पीना चाहते हैं तो 1 टी कप यानी जिसे हम चाय पीते हैं उतना काफ़ी होता है। आप चाहे तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी काढ़ा पी सकते हैं। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच ही काफ़ी है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो गुड़ का इस्तेमाल ना करें, इसके बदले आप यहाँ पे काला नमक या फिर सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट 1 चुटकी डाल सकते हैं या फिर सादा ही पी सकते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे उबलने दें, करीब 8 से 10 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि अच्छे से सारा अर्क पानी में आ जाए और काफी पावरफुल काढ़ा हमारा तैयार हो। इसे ढक दीजिए। तो काढ़ा उबलते हुए 10 मिनट हो चुका है, फ्लेम को कर दीजिए बंद और आप देख सकते हैं कि सूख करके आधा भी हो गया है। छन्नी रख करके छान लीजिए और आपको गरम गरम 1-1 घूंट लेते हुए काढ़ा पीना है। तो ये 1/4 कप से ज्यादा है काढ़ा, इतने काढ़े में 2 व्यक्ति पी सकते हैं। तो दादी माँ के जमाने से चलता आ रहा काढ़ा बनके तैयार है। अब हम दूसरी रेमेडी बनाते हैं। तो सेकंड रेमेडी बनाने के लिए फिर से सॉस पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 ग्लास पानी। फ्लेम को हाई कर दीजिए। गले का कैसा भी प्रॉब्लम हो, गले में छाले, गले के अंदर सूजन
गले में खुजली, गले में इन्फेक्शन, गले में दर्द, टॉन्सिल बढ़ा हुआ, वो सारा दूर होगा। गला बैठ जाना, फसफस की आवाज़ आना, खसखसाहट होना, सारा प्रॉब्लम दूर होगा इस उपाय से। तो आपको पानी गर्म करना है, इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच हल्दी। देखिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। कोशिश करें शुद्ध हल्दी का ही इस्तेमाल करें। और अब इसमें हम दूसरी चीज़ डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक, इसे इंग्लिश में रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और व्रत में हम इस्तेमाल करते हैं। उपवास कोई भी हो तो हम सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं, इसे लाहौरी नमक भी बोला जाता है। बहुत ही आसानी से आपको रॉक सॉल्ट किराने की दुकान में मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है, सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा। हम 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक डाल देते हैं, इनको कर दीजिए बंद। आखिरी तीसरी चीज़ हम डालेंगे, नींबू का रस 1/6 चम्मच। बड़ा ही काम का है नींबू का रस। हल्दी, नमक और नींबू के रस से गरारा करने से गले का सारा इन्फेक्शन को मार डालता है। नींबू ज़रूर डालें। तो महंगी से महंगी दवा जो काम नहीं करेगी, वो आपको ये रेमेडी करने से लाभ मिलेगा। अब हम ग्लास में छन्नी रख के छान लेते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होता है, सेंधा नमक खांसी और गले इन्फेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल है, और नींबू हर तरीके के इन्फेक्शन को मार डालता है, काट डालता है। जितना हमारा गला सह पाएगा उतना ही गर्म रखें। ग्लास आपको अगर गर्म लगता है तो इस तरीके से किचन टॉवल में पकड़ते हुए एक एक घूंट करते हुए गले में 10 से 15 सेकंड रखें, और हमें कुल्ला करना है, यानी जितना आपसे हो सके उतना नीचे तक गले में उतारिए और गले के अंदर अच्छे से सेकाई होने दें। जब सेकाई होगा तो वो कुल्ला को फेंक दीजिएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको 10 मिनट में कुल्ला करते हुए ग्लास को ख़त्म करना है। और इसी तरीके से आपको दिन में 3 बार अगर आप गरारा कर लेते हैं तो हर तरीके का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और आप एक दिन में ही वैसे आराम पाएंगे, लेकिन आप 3 से 4 दिन तक लगातार करें। अगर आप संक्रमित भी हो जाते हैं कोरोना से, तो ये उपाय आपके लिए वरदान से कम नहीं, ज़रूर करें। तो ये हमारा सेकंड रेमेडी बन के तैयार है। तीसरा और आखिरी उपाय करने के लिए फिर से सॉस पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 ग्लास दूध। आप 1/2 ग्लास भी डाल सकते हैं, फ्लेम को हाई कीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो कोशिश करें दोस्तों शुद्ध हल्दी का ही इस्तेमाल करें, और ये हल्दी वाला दूध में मैं कोई भी और मसाले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि काढ़े में मैंने डाला है तो उतना पर्याप्त है शरीर के लिए। तो हल्दी वाला दूध बेड टाइम लेना है, यानी आपको रात में जब आप सोते हैं उससे पहले ले लीजिएगा, अच्छे से गर्म होने दें। तो हल्दी वाला दूध पीने से ये काफ़ी फ़ायदा होता है, कफ बाहर आएगा, जुकाम में राहत मिलता है, और खांसी के लिए भी काफ़ी मददगार है, और इम्यूनिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ही तेज़ी से रिकवर करता है, उतना ही तेज़ी से करता है एंटीबायोटिक काम करता है। तो हॉस्पिटल में अगर आप इलाज के लिए जाएं तो एक दिन का 50,000 या 1 लाख खर्च हो रहा है जो संक्रमित है, जो परेशान है। तो आप इस तरीके से ये तीनों उपाय करें। देखिए दूध में उबाल आ चुका है, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम ग्लास में डाल लेते हैं हल्दी वाला दूध। तो हमारा तीनों बहुत ही पावरफुल नुस्खा बनके तैयार है, और कितना बनाना सरल है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हल्दी इतना शरीर में जाएगा तो नुकसान करेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको उठते के साथ पहले गरारा करना है हल्दी, सेंधा नमक और नींबू वाले पानी से, दिन में 3 बार कीजिए। आप खुद महसूस कीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिला है। अगर राहत मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड, आपको नाश्ते करने के 1 घंटे के बाद काढ़ा पीना, एक दिन में एक बार काढ़ा काफ़ी है। बहुत ज़्यादा आपको सर्दी खांसी है तो 2 बार भी 4 कप से थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, और ताज़ा ही काढ़ा बनाएं और खाली पेट में भूल के भी ना पिए। रात में आपको हल्दी वाला दूध पीना है। ये तीनों उपाय रोज़ कीजिए, बच्चे बुजुर्ग सभी कर सकते हैं।
अगर 2 से 3 साल के बच्चे हैं तो उन्हें 1 से 2 चम्मच ही काढ़ा देना काफी है, उससे नीचे के बच्चों को ना दें। और हल्दी वाला दूध तो कोई भी पी सकता है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि दिन में कम से कम 1 से 2 बार आप स्टीमर लें, बहुत ही सस्ता 400-500 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हटाइए, इसे हटाइए और इसमें पानी डालिए और इसे लगा दीजिए, प्लग को लगा दे, स्टीम लेना है और ऊपर मुंह करके छोड़ना है, फिर से स्टीम लेना है, फिर छोड़ना है। रोज आप 5 से 10 मिनट तक करें तो ये भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका स्मेल चला गया है या फिर टेस्ट नहीं आ रहा है तो स्टीम करने से बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा और आपका सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप खट्टे फल, ये जैसे संतरा जिसमें विटामिन सी है, अनार का जूस, नारियल पानी, अंगूर, ये सब खाएं। और आखिरी बात, कोशिश करें फ्रिज का कोई भी चीज़ ना खाएं और हल्का गुनगुना पानी ही पिएं। ये सारे अगर आप उपाय करते हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा। तो मैंने पहले भी बहुत सारी होम रेमेडी शेयर की है, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो इस उपाय को भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।